बड़ा भाई कहने लगा कि दरख्वास्त ये है, ये जो मेरा छोटा भाई है इसकी दाएं आंख सलामत है, बाएं आंख जो है वो सलामत नहीं है, वो अंदर है, यानी एक एक आंख काम ही नहीं करती। तो आपके बड़े भाई ने एक आंख दी है मेरे भाई को, आप उसके छोटे भाई हैं, छोटी सी आंख आप भी मरम्मत फरमा दें, हम भी क्या याद करें कि खुदा रखते थे। कि हाँ ये मुतालबा तो बिल्कुल माकूल है, लेकिन बसर बात देखें ना, बात यह है कि हुकूमतों में भी ये चीज़ है, छोटी से लेकर बड़ी हुकूमतों तक वो तकसीम कार पर अपने सारे निज़ाम की बुनियाद रखती हैं। तो हर डिपार्टमेंट के अपने फ़राइज़ हैं, आँखें बनाने, आँखों को साफ करने, आँखों में ज़्यादा नूर बरपा करने, इसकी जिम्मेदारी बड़े भाई ने उठाई हुई है। और किसी को अंधा करना, ये इस नाचीज के कंधों के ऊपर ये फर्ज आयद किया गया है। तो अगर आप ये चाहते हो ये पहली जो आंख है उसको भी खत्म कर दिया जाए, तो ये नाचीज, ये फरीजा बहसियत खुदा के छोटे भाई के बासानी से अंजाम दे सकते। ये मिसाल बयान करने के बाद कहने का, ज़ियाउल हक़ साहब मुसलमानों को और इस्लाम को ज़ाया करना जानते हैं, इस्लाम कायम करने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। जालब साहब ने भी तो एक शेर कहा था कि सब कुछ तुम्हें करने की इजाज़त है मगर खुदा के लिए इस्लाम का जुलूस ना निकालो। तो यह दिलचस्प यादों का ज़मीमा था। आपके हुक्म की तामील पतनी हुई है या नहीं हुई, आपने नंबर 100 में से कम पास ही कर देते। आपने मौलाना साहब इसके दौरान ज़िमनन से बताया कि हज़रत खलीफ़तुल वसीअ सालिस रहमहुल्लाह का इस तमाम कार्रवाई के दौरान इस्लामाबाद में क्याम किस घर में रहा, तो रिकॉर्ड के लिए जी मोहम्मद शफीक शफीक अहमद साहब के आज शफीक साहब के घर, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। क्या हुई थोड़ा सा तआरुफ़ उनका? काजी शफीक अहमद साहब, असल में बात मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर सकता हूँ, उनसे मुलाकात उसी दौर में हुई और उन्होंने मुझे ये बात खुद बताई कि मैंने ये कोठी बनवाई है इस्लामाबाद में और मैं रवा में हजूर की खिदमत में हाजिर हुआ कि हजूर ये मैंने नई नई कोठी बनाई है, मैं चाहता हूँ कि खुद यहाँ आने या किराया देने से पहले हुजूर के कदमों से उसको बरकत हासिल हो जाए। तो ये एक मौका आ गया है, जमात को बाहर ज़रूरत है तो मैं अपनी कोठी इसके लिए पेश करता हूँ। तो हुजूर ने अलग शबकत इसको शबकूरियत बख्शा, ये बात उन्होंने खुद मुझे बयान माई थी। काजी साहब शफीक अहमद साहब आप रिसालपुर के रहने वाले थे, अल्लाह ताला की हज़ारों रहमतें हों। वो पिछले साल 19 फरवरी 2005 को हमसे जुदा हो गए, खुदा रहमत को नज़ इयाश खान पाती हैं।